इतना सा पार्ट है लेकिन बहुत महंगा है ये। फाइनली अपना एक नया वाला वीडियो आ रहा है, तो ये वीडियो होने वाला है अपना डीपीडी सेंसर के ऊपर। तो ये डीपीडी सेंसर क्यों चेंज कर रहा हूँ आपको वीडियो में बताऊंगा। तो भाई लोग, मुझे इसुजु सर्विस सेंटर से कॉल आया था कि आपका डीपीडी सेंसर चेंज करना पड़ेगा, मतलब जितनी भी 2022 में जो गाड़ी सेल हुई, जो फेब्रुवरी, क्योंकि ये मेरा मॉडल है फेब्रुवरी का, तो जितनी भी उस टाइम पर सेल हुई गाड़ी, तो उसका डीपीडी सेंसर कंपनी की तरफ से चेंज करके देने वाले हैं तो देखते कितना खर्चा, क्या उसका कॉस्टिंग क्या जाता है। तो मिलते आपको डायरेक्ट सर्विस सेंटर पे। तो अभी हम लोग इधर आ चुके हैं, तो अभी पहले तो ये अपना गाड़ी जाएगा अंदर, फिर उसके बाद चालू होएगा अपना काम। ये हो रहा है गाड़ी का रीजनरेशन, तो ये नीचे फैन ला के रखा है। अभी अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर का कवर निकल रहा है, क्योंकि उसके बाजू में वो डीपीडी सेंसर फिट है, तो पहले ये निकलेगा, फिर उसके बाद आगे का काम शुरू होएगा जो कि रिप्लेस होने वाला है। तो आप देखते रहिए। तो ये यहाँ पे फिट है अपना डीपीडी सेंसर, जो कि एक स्क्रू के ऊपर ही फिटेड है। तो अभी ये खुलेगा, उसके बाद उसके दो होस पाइप है वो भी चेंज होने वाले। तो भाई ये है अपना डीपीडी सेंसर इतना सा, और ये इसके आगे दो होस पाइप लगे हुए हैं, तो ये भी चेंज होएंगे। और ये जो इतना सा दिख रहा है, ये अपना डीपीडी सेंसर है, तो ये भी चेंज होने वाला है। तो भाई ये है अपना नया वाला डीपीडी सेंसर। अब इसका आपको प्राइस दिखाता हूँ, एक बार प्राइस चेक करो। 20,000 रुपीज़ भाई, इतना सा पार्ट 20,000 का। और इसके आपको होस पाइप भी दिखाता हूँ, तो ये है इसके होस पाइप, तो ये इसी में फिट होते हैं। तो इसका प्राइस आप चेक कर लो एक बार, ये है 2,540, मतलब टोटल हो गया। सो नया वाला पार्ट अभी ओपन हो चुका है, तो अब ये जाएगा अपने गाड़ी में फिट होने के लिए। तो देखो इतना सा पार्ट है और इतने सारे पैसे। तो ये है उसके नए वाले होस और अपना डीपीडी सेंसर, तो ये फिट होने जाएगा अभी। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो डीपीडी सेंसर के होस पाइप है वो यहाँ पे फिट होते हैं। ये डीपीडी सेंसर अभी फिट हो रहा है, तो ये फिटिंग करते हैं, फिर अगले काम में चलते हैं। ये ऑटो सेंसर है, तो ये भी क्लीन होगा, फिर वापस से फिटिंग करेंगे इसको। ये ऑटो सेंसर फिट हो रहा है अभी। तो इधर का तो सारा काम हो गया है, तो अभी नेक्स्ट काम है वो बचा है, वो है अपना ऑयल पाइप चेंज होगा। तो ऑयल पाइप को देखते हैं। गाड़ी अपना ऊपर उठा लिया है, तो उसके अंदर है अपना ऑयल पाइप जो अभी चेंज होने वाला है। तो ये भी क्यों चेंज हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है पुराना और नया, जो लगभग सेम ही दिख रहा है, बट इनका कहना है कि ये थोड़ा सा ब्रांड है, तो ये नया वाला लगाएंगे।
ये अपना ऑयल पाइप फिट हो रहा है। तो फाइनली सब कुछ अपना काम हो चुका है, बस ये ऑयल पाइप फिट होने वाला है। ये फिट होने के बाद हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि सारा काम सब कुछ अच्छे से हो गया है। और भाई लोग, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी गाड़ी का काम हो चुका है, तो ये वीडियो में नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ। तो अपने गाड़ी का तो फाइनली काम हो चुका है और कॉस्टिंग अराउंड 23,000 तक आ गया, लेकिन वो मेरे को सब कुछ फ्री में करके मिला, क्योंकि अपना गाड़ी था वारंटी में। सो वारंटी में सब कुछ फ्री करके मिला मेरे को, गाड़ी का डिपोडिशन और ऑयल का जो होस पाइप था वो सब कुछ चेंज करके मिला। तो भाई लोग, आप में से किसी का इसुज़ू एस्केप या फिर इसुज़ू को कौन सा भी गाड़ी है और सेम चीज़ आपके गाड़ी में अगर चेंज की हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर जब भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।